वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं जो भी हाल फिलहाल में कोई महत्वपूर्ण परीक्षा हुई हो उसके प्रश्न पत्र को, ठीक है। तो आज आपको पता है हिमाचल प्रदेश में टेट की परीक्षाओं को कंडक्ट किया गया था। पहले टेट आपका हुआ था TGT टेट आर्ट्स का, और अब ये जो है मेडिकल का जो टेट है उसे आपके समक्ष लाया हूँ, ठीक है। तो पहले की वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी, तो इसको भी देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु होने वाली है। इसमें हम जो TGT मेडिकल टेट है इसके GK सेक्शन को देखेंगे। ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, मॉडल लेवल का क्वेश्चन पेपर था, आप इजीली से सॉल्व कर सकते थे अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी। तो चलिए, ज़्यादा व्याख्यान नहीं करेंगे। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक उनके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व प्राप्ति की कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है। तो ये होगा रैतवाड़ी, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है 32, इसमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे खिलाफत आंदोलन के समय कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चला। तो खिलाफत आंदोलन के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चला, तो वो होगा आपका असहयोग आंदोलन, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा 32 का। अगला प्रश्न है 33, इसमें पूछा गया है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है श्री रामनाथ कोविंद को। तो 33 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, इसमें क्या पूछा गया है। तो 34 में पूछा गया है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे आपके श्री अरविंद पनगड़िया, 34 का डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35, इसमें पूछा गया है संयुक्त अरब अमीरात UAE किस राजधानी कौन सी है दिए गए विकल्पों में। तो ये होगी अबू धाबी, 35 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36, इसमें क्या पूछा गया है गोची उत्सव का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है। तो जो गोची उत्सव है ये मनाया जाता है आपके लाहौल स्पीति में, 36 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, इसमें क्या पूछा गया है, 37 में पूछा गया है ऋग्वेद में उल्लेखित अस्किनी नदी का वर्तमान में क्या नाम है। ऋग्वेद में इस नदी का नाम अस्किनी था, वर्तमान में ये चिनाब नाम से जानी जाती है, 37 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38, तो प्रश्न संख्या है 38, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस के लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा का क्या नाम है। तो जो ऑर्केस्ट्रा है इसका नाम होगा हारमोनी ऑफ द पाइल, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पाइंस, डी सी नहीं डी होगा, हारमोनी ऑफ द पाइंस, डी सही हो जाएगा यहाँ पर 38 का। अगला प्रश्न देखिएगा 39, इसमें क्या पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा में नई पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना है। तो ये हो जाएगा आपका बी, 39 का बी, 5+3+3+4 बी सही विकल्प। अगला क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सी महासागरी धारा ठंडी धारा है। तो जो महासागरी धारा ठंडी धारा है तो वो होगी लैब्राडोर, 40 का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 41, इसमें क्या पूछा गया है 41 में प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो जो ये स्थित होगी इराक में, 41 का डी। अगला क्वेश्चन है स्मार्टफोन और कंप्यूटर में स्थापित रैम को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। कई बार पूछा जाता है क्या रैम वॉलेटाइल मेमोरी है या नहीं, हाँ रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन 43, इसमें पूछा गया है देश का सबसे बड़ा सिंगल कैंटीलीवर पुल
बागछाल किस जिले में बनाया गया है? तो ये 43 का हो जाएगा, बिलासपुर में है ये बागछाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप, यहाँ पर है 44 में आपसे पूछा गया है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी किसने उपाधि दी? तो जो उपाधि दी बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 44 का सी। अगला क्वेश्चन है 45। वर्ष 2023-24 के लिए हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या अनुमानित की गई है? तो ये की गई है 7.1%, 45 का सी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए 46। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा 32 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके किया जा रहा है पेखूबेला में। कहाँ? पेखूबेला। 46 का ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस स्थान में स्थित है? तो ये पेखूबेला है, ये ऊना में है। दूसरा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पेखूबेला या ऊना में है, ये कितने मेगावाट का है? तो ये 32 मेगावाट का है। इस तरह से प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, आपको ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 47। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र की ओर स्थित है? तो जो सहारा मरुस्थल है ये याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। किस क्षेत्र की ओर स्थित है? ये दिशा की बात कर रहे हैं, उत्तर दिशा में स्थित है। 47 का डी। अगला है 48। भारत को श्रीलंका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो जो भारत को श्रीलंका से जो जल डमरू मध्य अलग करता है, तो उसे कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। 48 का डी। अगला है 49। इसमें पूछा गया है तमिल महाकाव्य सिलीपादिकारम की रचना किसने की? तो ये की गई थी इलांगो के द्वारा। 49 का सी। अगला क्वेश्चन है 50। यात्री इवन बतूता भारत में किस देश से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। तो 50 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें पूछा गया है आपसे, हिमाचल प्रदेश में साल 2024-25 के बजट में स्कूल और समाज के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है अपना विद्यालय मेरा सम्मान। 51 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52। इसमें क्या पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस वर्ष बैन किया गया? तो ये किया गया था 2022 में। 52 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 53। सीरखड किस नदी की सहायक नदी है? जो सीरखड है ये आपकी सतलुज नदी का सहायक खड हो जाएगा। 53 का ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अब 54। इसमें क्या पूछा गया है, 54 में पूछा गया है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व हिमाचली कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 54 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की? तो ये योजना आयोग के स्थान पर की थी। इसी तरह का क्वेश्चन सुबह भी पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 56। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो जो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57। इसमें क्या पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए शब्दों को सही क्रम में रखें। तो पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये कहाँ पर है? ये विकल्प बी में। पंथ निरपेक्ष सबसे पहले आएगा, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी होगा सही 57 का। अगले प्रश्न को देखते हैं 58 को। फिर अगला प्रश्न है 58। यहाँ पर पूछा गया है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जो सुबह परीक्षा हुई थी टेट की। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। सी सही होगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी
रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार ये प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 59, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जैनिक सीनर के द्वारा, जैनिक सीनर 59 का ए। अगला प्रश्न देखिए 60, इसमें पूछा गया है सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये किया गया है PSLV C-57। 60 का सी सही हो जाएगा यहाँ। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे हमारे वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न किए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षा हेतु, 30 क्वेश्चन थे ये। फिर देखिए यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, ये जितने भी प्रश्न थे हमारे निजी प्रयास हैं, यहाँ पर कोई प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको बता देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं पूरी कोशिश की गई है कि सही उत्तर ही आपको मिले, ठीक है। फिर भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा। और अन्य महत्वपूर्ण PDF इत्यादि और जो वीडियोज़ हैं उनके, इनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF इत्यादि मिल जाएंगी। तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।